हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी डिवाइसेस। तो सेफ्टी डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी डिवाइसेस होती क्या है। सेफ्टी डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच गिव्स प्रोटेक्शन टू आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम एक्सेस करंट। ठीक है, तो सेफ्टी डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्शन देती है। किससे? जब भी कई बार आज एक्सेस करंट हो जाता है। अब एक्सेस करंट कैसे हो सकता है? कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, जैसे ड्यू टू शॉर्ट सर्किट या फिर किसी और रीजन से। आप देखते हो किसी लाइटनिंग वगैरह की वजह से भी कई बार जो है सर्किट में करंट ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, बर्न हो सकती हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार फायर वगैरह भी लग जाता है, सीवियर केसेस भी हो जाते हैं इसकी वजह से। तो सेफ्टी डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इससे दोनों तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी सारी डिवाइसेस भी खराब हो सकती हैं और प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो सेफ्टी डिवाइसेस हम जब भी हर तरह की डिवाइस में कुछ ना कुछ सेफ्टी प्रोटेक्शन होता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में एब्रप्ट चेंज हो सकता है। एब्रप्ट चेंज से मतलब सडन चेंज हो सकता है। अब ये कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, तो ये हम आज देखेंगे। तो सेफ्टी डिवाइसेज आर दोज डिवाइसेज विच गिव्स प्रोटेक्शन टू आवर सर्किट। ठीक है, अब जैसे जो फेमस और इम्पोर्टेंट डिवाइसेज हैं जो हैं उनमें से जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है फ्यूज, ये आप सबने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो अभी समझ जाएंगे। एमसीबी, ये सब ये भी आपने देखा होगा, ये शायद नहीं देखा होगा, बट ये भी एक फेमस डिवाइस है। ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो आगे भी हम देखेंगे क्या क्या होता है फ्यूज, स्पेशली फ्यूज और एमसीबी हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ्यूज देखते हैं। फ्यूज फ्यूज क्या है? एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है। दिस इज अ सेफ्टी डिवाइस। आप सबने देखा होगा, शेप अलग अलग होता है लेकिन वर्किंग सबका सेम है। शेप बहुत तरह के होते हैं, नेट पे आप जाके देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ। मैंने बिल्कुल बेसिक लिया हुआ है यहाँ पे, जो आप सबने देखा है और जो हम जनरली यूज करते हैं। इसके अलावा ग्लास फ्यूज वगैरह भी हैं। अभी ग्लास फ्यूज अभी नीचे की स्लाइड में है, तो अभी हम देखेंगे। तो ये आपने इस तरह का शेप देखा होगा, देखा है सबने। ठीक है, तो अब ये इसमें काम कैसे करता है? यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये वाला पॉइंट पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। तो अब ये फ्यूज जो होता है, फ्यूज इज नथिंग बट अ कंडक्टिंग वायर। वायर क्या करेगा? ये वायर पॉइंट ए से बी तक क्या होगा, एक हम वायर लगा देते हैं। अब वायर से क्या होगा, अब ये सर्किट बन गया, सर्किट का एक ब्रांच बन गया। ठीक है, जब हम इसको इस पॉइंट ए बी को इस सी डी के ऊपर फिट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको सर्किट में बताता हूँ जैसे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ए सी सोर्स। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारा ये फ्यूज लगा है। ओके, ये फ्यूज लगा है और यहाँ पे कोई भी लोड लगा है। सपोज यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक बल्ब या लैंप लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज फ्यूज। अब क्या है, जब ये दोनों वायर, ये ए बी यही वाला है, ठीक है, जब ए पॉइंट बी पॉइंट से कनेक्ट रहेगा तब तो क्या होगा, करंट आई से करंट को डिनोट करते हैं, करंट आई इस सर्किट में फ्लो होगा और हमारा ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन जब भी करंट एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, ये सर्किट क्या हो जाएगा, अब ब्रेक हो गया। अभी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए, लूप हमेशा बनना चाहिए। लूप का मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसी पे हमको वापस पहुंचना है। सपोज अगर मैं ए से चलूं तो वापस ए पे आना चाहिए, तो ए से बी के बीच में ब्रेक हो गया, तो दिस इज नॉट कंप्लीट सर्किट।
जब लूप नहीं है तो सर्किट इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्यूज क्या हुआ, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने से क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया, तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा और ये हमारी डिवाइस सेफ रहेगी। ठीक है, तो फ्यूज की वर्किंग समझ में आई। जब भी एक्सेस करंट नॉर्मल सिचुएशन में तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है, लेकिन जब भी करंट ज्यादा हो जाएगा तो फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से काम करेगा। ठीक है, सो आगे जो मेंशन किया है एक बार देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, लिमिट कैसे करेगा, लिमिट करने का मतलब ये लिमिट तो नहीं बोल सकते, एक्चुअली लिमिट वर्ड प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इसको लिमिट का मतलब या तो ये जीरो कर देगा, पास होने देगा या पास नहीं होने देगा। ठीक है, दो ही सिचुएशन है, ऑन सिचुएशन या ऑफ सिचुएशन। तो द फ्यूज सेफ गार्ड द सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड ड्यू टू ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से हमको बचाता है। कैसे बचाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा तो अब फिर वापस इसको हम रीसेट कैसे करेंगे, रीसेट करेंगे आप इस ए बी वाले वायर को नए वायर से रिप्लेस कर दो, ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। अ फ्यूज इज नथिंग बट अ थिन पीस ऑफ वायर, एक पतला सा वायर होता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। दिस इज जस्ट अ वायर मेड बाय मटेरियल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आपने हाई मेल्टिंग पॉइंट लगा दिया तो आपका पता चला मेल्ट ही नहीं हुआ, पूरा पूरा वायरिंग बर्न हो गया, लेकिन ये आपका फ्यूज ही नहीं मेल्ट हुआ। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जूल्स के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, किस पे प्रिंसिपल क्या है इसका, जूल्स का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, और इन जनरल टिन और लेड का एलॉय यूज करते हैं। एलॉय क्या होता है, एलॉय इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। इन जनरल टिन और लेड का यूज करते हैं, बहुत फेमस है, लेकिन कई बार क्या होता है, इस पर रिक्वायरमेंट हम और मेटल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो टिन और कॉपर का भी एलॉय यूज किया हुआ बताया गया है। ठीक है, सो ये हमारी नीड के हिसाब से होता है, और इसको हमेशा हम फेज वायर में लगाते हैं। क्यों, क्योंकि फेज में ही हमारा जो मेन करंट है उसी में फ्लो होता है। ठीक है, इसको फेज वायर को क्या क्या बोलते हैं, लाइव वायर या लाइन वायर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूज क्या होता है, मेल्ट हो जाता है जब भी एक्सेस करंट इस सर्किट से फ्लो होता है, आइदर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग एंड डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम द सर्किट। तो मैंने आपको पहले बता दिया सर्किट को ब्रेक कैसे करेगा। अब ये कितना, ये वायर मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ये सब डिपेंड करता है हमारे लोड पे। लोड का मतलब आपने कितनी डिवाइसेस आपके सर्किट में पावर ड्रॉ कर रही हैं। ठीक है, कितना पावर कंजम्पशन है। अब सेम तरह का फ्यूज हर जगह हम नहीं यूज कर सकते, अलग अलग सर्किट लोड के हिसाब से अलग अलग तरह का हम फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, अब फ्यूज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है, इसको जब भी फ्यूज बर्न हो गया, मेल्ट हो गया, तो आपको उसको ओपन करना है, फिर से वायर लेना है, और वायर लेके उसको फिर स्क्रू ड्राइवर से टाइट करके फिर वापस रीसेट। तो इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से इसको ज्यादा हम आजकल प्रिफर नहीं करते, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं आजकल, एमसीबी यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो फ्यूज का वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा, और एक शेप मैंने यहाँ पे लिया है। इस तरह का फ्यूज जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मतलब जहां पे लो वोल्टेज, ये क्या होता है, ये ग्लास का, ये वाला पोर्शन क्या है, मेटल का है। ठीक है, ये वाला क्या है, मेटल का है, और ये क्या है, एक मेटेलिक वही लेड और टिन का एलॉय है, वायर है। ठीक है, ये वायर लगा हुआ, तो क्या होगा, जब भी करंट एक्स्ट्रा होगा तो ये वाला क्या होता है, बर्न हो जाता है। इसको ग्लास फ्यूज भी बोलते हैं, इसको ग्लास फ्यूज बोलते हैं।
है, ये दो आपने देखे होंगे, और भी बहुत तरह के होते हैं, वो सारे देखने नहीं होंगे, आगे आप पढ़ोगे देखोगे, ठीक है, आगे की क्लासेस में हम देखेंगे इसको। तो ये दो तरह का आपको फ्यूज आपने देखा होगा और आपको पता होना चाहिए, वर्किंग मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा है, फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम एमसीबी देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, नॉट नेक्स्ट चैप्टर। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू।